नमस्कार। हमारे इतिहास के सफ़र को जारी रखते हुए हम फिर एक बार रानीपुर झरियल की तरफ चलेंगे। उड़ीसा बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक का ये क्षेत्र रायपुर हवाई अड्डा से 218, झारसुकुड़ा से 300 और भुवनेश्वर से 418 किलोमीटर दूरी पर है। रानीपुर झरियल पहुंचने के लिए बलांगीर से 105 किलोमीटर, टिटलागढ़ और काटावांजी से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पौराणिक मतानुसार विनीताश्व के कुछ पीढ़ी बाद कोसल राजा हुए, जिनके नाम पे यह राज्य कोसल बना। कोसल के कुछ पीढ़ी बाद भानुमंत राजा हुए, जिनकी लड़की कौसल्या को दशरथ जी ने शादी किए थे। भानुमंत निपुत्री होने के कारण दशरथ जी के पुत्र भगवान रामचंद्र के हिस्से कोसल आया और उनके पुत्र कुश यहाँ कुशावती या कुशस्थली नगर स्थापन करके शासन किए, जो आधुनिक कौशल है। कुशों के कुछ पीढ़ी बाद नग्नजीत राजा हुए, जिनके बेटी सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ था। इतिहास अनुसार सोमवंशी के बिना शायद उड़ीसा का अपना स्वतंत्र इतिहास ही ना होता। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। चंद्रवंशी राजाओं ने अपने आप को पंडुवंशी भी कहते हैं। सोमवंशी इतिहास में बालार्जुन को प्रमुख राजा माना जाता है, जो अपने आप को महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त के नाम पे भी परिचय देते थे। सोमवंशी राजाओं ने बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। रानीपुर झरियल से पूरब की ओर सोमवंशियों की यात्रा उड़ीसा को एक राजनीतिक रूप दिया। मंदिर परंपरा का प्रारंभ सोमवंशियों के द्वारा हुआ था। सोमवंशियों ने यहाँ से शैव और शाक्त धर्म का पृष्ठपोषकता करते हुए यहाँ शिव मंदिर में थानापति पुजारी नियुक्त किए और थानापति पुजारी परंपरा को अपने साथ सोमवंशियों ने उत्कल खंड पर्यंत लेकर गए। सोमवंशी राजाओं के साथ कालाचुरी शासकों का एक लंबा युद्ध रहा। इसी के चलते श्रीपुर से रानीपुर झरियल, यहाँ से रामपुर, रामपुर के बाद बिनका या बिनीताश्वपुर, उसके बाद सोनपुर और बौद्ध होते हुए पूरब की तरफ सोमवंशियों ने गए। इसी तरह उड़ीसा को अपने राजनीतिक रूप मिला। सोमवंशी वैष्णव थे, हरिशंकर मंदिर और बौद्ध का हरिहर मंदिर को देखे तो सोमवंशियों ने हरिहर परंपरा का प्रारंभ करके अपने आप को शासन में सुरक्षित रखा। हर्षदेव की पत्नी बासटा कुशल दायित्व में रही और हर्षदेव के निधन के बाद वो कोसल की महारानी बनी। उनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन और पुत्री राज्यमती, जिनकी विवाह नेपाल के राजा जयदेव के साथ हुआ था। प्रथम शताब्दी में नेपाल के राजा शंकरसन को सालग्राम शिला मिला था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते थे। वही
शालिग्राम शिला या ब्रह्म पदार्थ राज्यमती के द्वारा कोसल पर्यंत आया, जिसे जगन्नाथ जी के नवकलेवर के समय पुरातन विग्रह से निकालकर नूतन विग्रह में स्थापना किया जाता है। हर्षदेव के निधन के बाद रानी बासटा ने अपनी शेष जीवन रानीपुर झरियल में ही बिताई थी। रानी गुड़ी के साथ पूरब की ओर रानी बासटा ने 5 मंदिर बनाए थे। ये सारे मंदिर रानीपुर गांव के समीप आज भी खंडहर होके पड़ा है। लोगों का मानना है कि इन्हीं खंडहरों में से एक में रानी का महल हुआ करता था, इसीलिए यह गांव का नाम रानीपुर है, जिसके बारे में हुएनसांग भी अपने भ्रमण वृत्तांत में लिखे हैं। उत्तर भारतीय संस्कृति को अपने साथ लाने वाले सोमवंशियों ने अपने मंदिर और अनेक कीर्ति स्थापित करके अपने आप को इतिहास में रखे है। माना जाता है कि यह हजारों साल पुराना तालाब रानी का ही तालाब है। सोमवंशियों ने ही पहली बार यहाँ प्रजाओं से लगान वसूले। अपने दान का विवरण तंबा पट्टा में लिखकर देते थे। सोमवंशियों का अधिष्ठात्री देवी भगवती थे। उनके शासन में मंदिर एक बहुत बड़ा भागीदारी रखता था। वेनसांग के समय बहुत बुद्ध विहार नष्ट हो चुका था। उनके जाने के 150 साल बाद सोमवंशी आए। सोमवंशी राजा इंद्रवला ने इंद्रलाट मंदिर बनाए थे। सोनपुर कमलवन वणिक संघ को राजा जन्मेजय ने भूमिदान किए थे, जिस भूमि को कमलवन वणिक संघ ने आदित्य मंदिर को भूमिदान दिया। कोसल प्रांत में गंडार और हाथीदांत आदि का व्यवसाय कैसे होता था, यह विवरण भी मिलता है। सोमवंशी उत्कल प्रांत में केसरी वंश के नाम से भी परिचित होते हैं। जगतीपुर, जाजपुर बैतरणी के तट पर और जगतीनगर जगती स्थापना जजाति केसरी ने किए थे। यह बुद्ध स्तूप शिवलिंग के नाम पे स्थानीय लोगों द्वारा पूजा जाता है। हम पूजा करके रहउछु से मन सरी वाला मिस मते गांव वाले भी तू भी करन बाबू तमर तो परिवार पूर्व पुरुषन करउछन आइया बोली कह लागे पूजा पाठ के करसिन। सोमवंशी शासन में नगर और उससे जुड़े विधाओं का वर्णन मिलता है। आज सोमवंशी नहीं रहे, इतिहास में कहीं खो गए हैं, लेकिन उनका समय की साक्षी स्वरूप रानीगुड़ी और रानीपुर आज भी है, जहां एकक उड़ीसा का राजनीतिक रूप जन्म लिया था।